वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। वैसे हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के बारे में। जी हाँ, सलमान खान कई फिल्मों को लेकर आने वाले हैं और उनकी कई फिल्में भी ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। आपको बता दें कि सलमान खान की एक मूवी को तो आपने ज़रूर देखा होगा, जिसका नाम है बजरंगी भाईजान। लेकिन जैसा प्यार बजरंगी भाईजान की मुन्नी को मिला, वैसा शायद ही किसी और को मिला होगा। फिल्म में मुन्नी का किरदार हर्षाली मल्होत्रा ने निभाया था, जो रातों रात स्टार बन गई। हर्षाली मल्होत्रा ने बजरंगी भाईजान के बाद कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की, जिस कारण उनके फैंस आज तक दंग हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई कलाकार मशहूर हो जाता है तो उसके पास फिल्मों की लाइनें लग जाती हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं हुआ। हर्षाली मल्होत्रा के पास कई सारे ऑफर्स भी आए थे, लेकिन सलमान खान ने उन्हें एक फिल्म से हटा दिया था। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि हर्षाली मल्होत्रा के पास प्रेम रतन धन पायो का ऑफर आया था। हर्षाली मल्होत्रा ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि वो इन दिनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं। हर्षाली के अनुसार, सच कहूँ तो मेरे पास बजरंगी भाईजान के बाद कई ऑफर्स आए, लेकिन मैंने उन सभी को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ वो उन किरदारों में मुन्नी जैसा दम भी नहीं था। वहीं हर्षाली मल्होत्रा ने सलमान खान की बजरंगी भाईजान के साथ साथ प्रेम रतन धन पायो के लिए भी शूटिंग की थी, लेकिन आपको बता दें कि प्रेम रतन धन पायो मूवी में सलमान खान ने उनका ये सीन कटवा दिया था। जी हाँ, हर्षाली के अनुसार उन्होंने प्रेम रतन धन पायो में स्वरा भास्कर के बचपन का किरदार निभाया था, जिसके बाद सलमान खान ने कटवा दिया था। सलमान खान नहीं चाहते थे कि हर्षाली छोटे छोटे रोल करके लोकप्रियता खो दे। वहीं इन बातों में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।